तो दोस्तों ओप्पो F9 और F9 Pro का ColorOS 6 के साथ एंड्रॉयड 5 वाला वर्सन अपडेट लाइव हो गया है आज से। तो बहुत दिन पहले से सब लोग ये पूछ रहा था ओप्पो के F9 और F9 Pro का ColorOS 6 का अपडेट कब आएगा, क्योंकि रियलमी का सारे डिवाइस में धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन ओप्पो की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था। हालांकि एक ट्वीट किया था बहुत ही जल्द ColorOS 6 ओप्पो F9 और F9 Pro में रिलीज करने वाला है, लेकिन उसका फाइनल पता किसी को भी नहीं था। लेकिन आज सुबह सुबह ओप्पो एक ट्वीट करके बता दिया ओप्पो F9 और F9 Pro का ColorOS 6.0 अपडेट लाइव हो जाएगा। और जो लोग इसका ट्रायल वर्सन लेने चाहता हो, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करके ट्रायल वर्सन ले सकते हो। ट्रायल वर्सन मीन्स बीटा, तो पहले बीटा के तौर आएगा जैसे रियलमी का भी होता है, लेकिन रियलमी का बीटा से स्टेबल आने के लिए 20 दिन लगता है, लेकिन ओप्पो का बहुत टाइम लगता है। तो ओप्पो F9 और F9 Pro यूज़ करते हो, अगर आप चाहो तो ColorOS का बीटा टेस्टिंग के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चेंज होने वाला है। तो इसमें ColorOS 6 का एंड्रॉयड पी का ट्रायल वर्सन है, और रिकमेंडेड अपडेट्स में आपका क्या क्या चेंज होने वाला है यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं। UI का जो चेंज है वो आपका चेंज हो जाएगा, यूजर इंटरफेस, और हाइपर बूस्ट इनेबल आएगा 2.0 वाला वर्सन जैसा रियलमी में है, ऐसा वो ऑप्शन आ जाएगा। एडेड ऐप बूस्ट दिया जाएगा, एडेड सिस्टम बूस्ट दिया जाएगा, सिस्टम में आपका एडेड बटन, हाइड अनएम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, एडजस्टेड ऐप, ये वाला ऑप्शन आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन आएगा, गेम स्पेस वाला ऑप्शन आएगा, होम स्क्रीन में वॉलपेपर, एडेड ड्रॉयर मोड होम स्क्रीन, एडेड लाइव वॉलपेपर, ये सारे चीज़ ऐड हो जाएगा। कैलकुलेटर रिजल्ट इन ईच स्टेप इन इमीडिएटली डिस्प्लेड, ऐसा का ऑप्शन आ जाएगा। कैमरा में ऑप्टिमाइज पोर्ट्रेट मोड, ऑप्टिमाइज यूजर इंटरफेस वो भी होगा। फोटोज़ में ऑप्टिमाइज यूजर इंटरफेस, एडेड शेयर्ड एल्बम, एडिट फेवरेट फंक्शन, फोटो एंड एल्बम, ये सारी चीज़ ऐड हो जाए। कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ ऐड हुआ है। फ्लैश एडिट फ्लैश ऑन कॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा, और टू डिवाइस ब्लूटूथ में एक साथ कनेक्ट करके कर रख सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी आएगा। और एडिट राइडिंग मोड वाला ऑप्शन भी आएगा जैसे रियलमी में है। तो ये जो ट्रायल वर्सन के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई करना होगा। अप्लाई होने के बाद 1-2 दिन, 1 से 2 वीक के अंदर आपको अनाउंस आएगा कौन कौन इसी के लिए अवेलेबल है। और ये टोटली इंडियन रीजन के लिए है, अलग देश के लिए बाद में शायद कुछ आएगा ऐसा। तो ट्रायल वर्सन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के टाइम आपको ओप्पो डिवाइस जो CPH 1823, CPH 1881 और CPH 1825 वाला वर्सन में ही अभी तक अवेलेबल है। और इसमें आपको सारे डिटेल्स भरना होगा, ColorOS अंडर कंटिन्यूस इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफिशियल वर्सन में क्लिक करना है, व्हिच ओप्पो डिवाइस आर यू यूजिंग वो भी बताना है, और व्हाट इंडस्ट्री ऑक्यूपाइड इन से इंडस्ट्री में रहता हो वो वाला बताना है, और कंट्री कौन सा बताने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद 1 से 2 वीक के अंदर आपको पता चल जाएगा आप बीटा टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट हुआ है या नहीं हो। अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो आपके पास OTA के थ्रू अपडेट आ जाएगा, आप अपडेट वहाँ से कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। इसमें फिलअप करने के बाद आपको F9 और F9 Pro में ColorOS 6 का अपडेट ट्रायल वर्सन के तरफ मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आए तो आप फीडबैक दे सकते हो, उसी के बाद स्टेबल आएगा। और ये जो बीटा वर्सन लाइव होगा सिर्फ इंडियन कस्टमर के लिए। ओप्पो F9 और F9 Pro लोग जो लोग यूज़ करते हैं उसके लिए ColorOS 6 का था यही अपडेट। अगर आप चाहो तो फॉर्म फिलअप करके बीटा वर्सन के तौर आपका मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो और उसका फीडबैक दे सकते हो। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बीटा वर्सन में बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है, स्टेबल वर्सन आने के बाद ही वो धीरे धीरे वो ठीक होता है। तो आप अगर रिक्स लेके बीटा वर्सन आपका फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि बीटा वर्सन सभी को नहीं मिलता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही तो ओप्पो F9 और F9 Pro का ColorOS 6 के बारे में अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल बनाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज लेकर तो दिन ही भाई।